नमस्कार। कथाकार प्रबोध कुमार जी पर चल रहे एकाग्र में आपका फिर से स्वागत है। आज इस एकाग्र की तीसरी कड़ी है और इसमें हम उनकी दो कहानियों का पाठ सुनेंगे। उनकी दो बेहद चर्चित कहानियां सीसॉ और आखेट का पाठ करेंगी हमारे साथ जुड़ी आज की वक्ता प्रीति सिंघी जी। प्रीति सिंघी जी प्राध्यापिका हैं और हिंदी साहित्य में गहरी रुचि रखती हैं। तो आइए मित्रों, सीधे हम प्रीति सिंघी जी के पास चलते हैं और प्रबोध कुमार जी की इन दो कहानियों का पाठ सुनते हैं। जी नमस्कार प्रीति जी, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद प्रवीण कुमार जी, और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जनसुलभ पुस्तकालय का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रबोध कुमार जी की कहानियों का पाठ कर सकूं। ये सचमुच में बहुत अच्छी कहानी और ये सुखद अनुभव होगा मेरे हिसाब से, मेरा भी और जो यहाँ प्रबुद्ध पाठक गण होंगे, श्रोता गण होंगे, उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव रहेगा, ऐसी मेरी आशा है, आशा करती हूँ। तो सीधे अब कहानी का पाठ शुरू करती हूँ, और पहली कहानी जो मैं पाठ करने जा रही हूँ वह है सी शॉ। चढ़ते जी अप्रैल के सूरज में स्वागत। रेल की पातों की चमक, क्या बोल रहे हैं? जी हेलो, शुरू करें। स्वागत। हाँ शुरू, हाँ धन्यवाद। चढ़ते अप्रैल के सूरज में रेल की पातों की चमक पीली पड़ती जा रही थी। पार्क की सूखती घास इमली की बढ़ती छाया में ठंडी होने लगी थी। सी सॉ पर बैठा, खाकी हाफ पैंट के ऊपर सफेद कमीज डाले 8-9 साल का एक लड़का रबर की हरी गेंद लिए बड़ी देर से सड़क की ओर देख रहा था। थोड़ी दूर पर 4-5 बच्चे मिलकर बारी बारी से झूला झूल रहे थे। झूलने वालों की तरफ देख वह जमीन पर टप्पे मार गेंद उछालने लगता, किसी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित न होता। वह फिर सड़क देखने लगता। लेवल क्रॉसिंग के बंद सफेद फाटकों के पीछे इकट्ठी भीड़ बेसब्री से ट्रेन गुजरने का इंतजार कर रही थी। तांगे वाले बीड़ियां सुलगा रहे थे। घोड़े, जिनमें से बहुतों के मुंह पर सफेद फैन जमा हो गया था, सड़क किनारे की घास चरने लगे थे। ट्रेन गुजरने पर भीड़ छंट गई। हरी गेंद वाला लड़का सीसॉ के उस उठे छोर को देखने लगा, जिस पर कोई आ बैठता तो उसका खेल शुरू हो जाता। वह बहुत दुबला था, उसके गालों की हड्डियां उभरी थी, लेकिन वह अस्वस्थ नहीं था। उसकी मांग टेढ़ी निकली थी। कंघी से दबाने के बावजूद चोटी की जगह के बाल हवा में उड़ रहे थे। माथा उसका काफी चौड़ा था। बचपन में जहां डिठौना लगाया जाता है, वहां नाखून के बराबर चोट का निशान था। नाक ऊपर से बहुत पतली और नीचे से चौड़ी हो गई थी। मुख पर उसके बहुत सारे तिल थे। आंखें काफी बड़ी और बरौनियां घनी थी। उसके कारण उसकी उम्र और भी कम मालूम पड़ती। पार्क में लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। सी सॉ के पास पड़ी बेंच पर दो बूढ़े टोपियां घुटने पर रखे अपने लड़कों के भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। एक के पास हिंदी का अखबार था, जिस पर दूसरा भी बीच बीच में चुप होकर झुक जाता था। उस समय उसका काली डंडियों वाला गोल रिम का चश्मा नाक की नोक पर खिसक आता। आंखों के नीचे रिम से पड़े गड्ढे और नाक के दाग हल्के पसीने की चमक से तब बहुत अधिक उभरे मालूम पड़ने लगते। सीसॉ पर बैठा लड़का हवा में फेंक कर गेंद झेल रहा था। एक बार न झेल सकने पर गेंद लुढ़कती उन बूढ़ों की बेंच के नीचे चली गई। गेंद उठा, वह बेंच से टिककर खड़ा हो गया। अखबार वाले बूढ़े का पोपला मुंह उसे बहुत विचित्र लगा। बड़ा लड़का इस साल एमए कर लेगा, चश्मे वाले बूढ़े ने कहा। उस लड़के की तरफ देख घुटनों तक धोती चढ़ा वह अपने दुबले पांव सहलाने लगा। उसके चेहरे पर चिंता का एक भाव था, जो इस उम्र के लोगों पर उतनी ही सहजता से आ जाता है जितनी सहजता से स्वयं उम्र। किस विषय में कर रहा है? कॉमर्स लिया है, छोटे को भी कॉमर्स दिलाया है,
बड़े से उसे काफी मदद मिलेगी। क्यों जनाब? बेशक, अखबार वाले बूढ़े ने कांपती उंगलियों से पन्ना पलटते हुए कहा। अपने साथी को देख वह फिर पढ़ने लगा। जब वह सामने देखता तो उसकी पुतलियों पर छाई सफेदी से लगता कि उसका मोतियाबिंद पकने के करीब है। उसकी आंखों में पास देखने की दृष्टि धुंधली पड़ गई थी। अखबार वह काफी दूर रखकर पढ़ रहा था। देखिए मेरी गेंद कितनी अच्छी है, लड़के ने चश्मे वाले बूढ़े को गेंद देते हुए कहा। पिताजी ने जबलपुर से ला दी है। गेंद तो तुम्हारी सचमुच बहुत बढ़िया है, बूढ़े ने चश्मा नीचे खिसकाकर एक बार लड़के की तरफ फिर गेंद देखते कहा। तुम कभी जबलपुर गए हो? दो बार गया हूं, कुछ जानते भी हैं आप? उसने हवा में दो पतली उंगलियां हिलाते हुए कहा। मैंने तो भेड़ा घाट भी देखा है, इतने बड़े बड़े संगमरमर के पहाड़ वहां है कि क्या बताऊं। पहाड़ों का आकार हाथ से बताने के बाद वह आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन अखबार वाले बूढ़े को गुस्से से घूरते देख सहम गया। जबलपुर की कथा आगे बढ़ाने की हिम्मत उसमें अब नहीं थी। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बूढ़े ने अपनी सफेद पुतलियां सिकोड़ते हुए पूछा। लड़कों में जाकर क्यों नहीं खेलते? लड़का चुप होकर खड़ा होंठ चूसता रहा। जाओ कहीं और खेलो, यहाँ सिर पर मत सवार हो, कहकर बूढ़ा फिर अखबार पर झुक गया। लड़के ने चश्मे वाले बूढ़े की तरफ देखा, फिर उससे गेंद ले अखबार वाले बूढ़े के पोपले मुंह की नकल करता खाली पड़े झूले की तरफ बढ़ गया। वहां जा एक पैर झूले के पटिए पर रखकर वह पंजे के जोर से उसे धीरे धीरे हिलाने लगा। पटिया आगे बढ़ता तो घुटने के ऊपर उसकी जांघ में गड्ढा पड़ जाता, जो पटिए के लौटने पर भर जाता। बार बार गड्ढा पड़ता और भर जाता। झूलने वाले बच्चे सीढ़ी चढ़ दूसरी तरफ फिसलने के खेल में व्यस्त हो गए थे। फिसल कर जब वे फिर सीढ़ी की तरफ जाने को मुड़ते तो उनके पैंटों के पीछे पड़ गए मटमैले धब्बे हर बार पहले से अधिक स्पष्ट मालूम पड़ते। फिसलते समय की उनकी खुशी भरी चीखें और पहले फिसलने की छीना झपटी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर रही थी। पार्क के बीच में 20-25 फुट जगह तार से घिरी थी, जिसमें राष्ट्रीय उत्सवों के समय झंडा लगाने के लिए सफेदी पुता लोहे का खंभा लगा था। फूल यदि कहीं थे तो वही खंभे के चारों ओर, जिनमें हॉलीहॉक और वर्बीना सबसे अधिक खिले थे। हॉलीहॉक की नीचे वाली बड़ी खुरदरी पत्तियां पीली पर नीचे झुक गई थी। दूर से देखने पर लगता जैसे फूल हों। क्यारियों के किनारे तिरछी ईंटों के थे, जिनके काफी भाग धूप से ढके थे। उन पर कभी कभी सफेद कलई पोती गई होगी, लेकिन वह रंग धुल चुका था। ईंट का असली रंग अब दिखाई देने लगा था। उखड़ी ईंटों की जगह उस पूरे पठार में पाए जाने वाले गोल काले भूरे पत्थर रख दिए गए थे। पश्चिम की तरफ एक छोटा सा लकड़ी की पट्टियों का फाटक था, जो बहुत कम खुलता था। आना जाना अधिकतर दो तारों के बीच से होता। वह ज्यादा देर झूले के पास खड़ा नहीं रह सका। फाटक से थोड़े फासले पर पीपल के सूखे पत्तों और मूंगफली के बिखरे छिलकों के बीच बैठे कुछ लोगों के पास जा वह भी चुपचाप बैठ उनकी बातें सुनने लगा। वहां मैले फुल पैंट पर धारीदार कमीज पहने 27-28 साल का एक युवक अपने साथियों को कुछ ऐसी बातें बता रहा था जिनमें वे एक दूसरे की तरफ देख काफी रस ले रहे थे। उस प्रदेश में पढ़े लिखे लोग भी ज्यादातर बुंदेलखंडी ही में बातचीत करते थे, लेकिन वह शुद्ध खड़ी बोली बोल रहा था और लहजे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जान पड़ता था। वे लगभग एक ही उम्र के थे, शायद सभी रेलवे कर्मचारी थे। उनकी अधिकतर बातें स्टेशन, रेलगाड़ी और माल गोदाम से संबंधित थी। धारीदार कमीज वाला युवक लेटा था। कोहनी के बल थोड़ा उठ वह मालगाड़ी के उस गार्ड के बारे में बताने लगा जिसकी बीबी एक एंग्लो इंडियन ड्राइवर से प्रेम करती थी। धारीदार कमीज वाले की बातें सुनता वह लड़का कभी ऊपर उड़ती चिड़ियों को तो कभी आसपास बैठे लोगों को देख रहा था। वह लोगों को हंसते देखता तो हंसी का कारण जानना चाहता।
लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। वे हंसते तो वह खुद भी उनकी हंसी हंसी में शामिल हो जाता। उसकी आवाज बिल्कुल उन औरतों जैसी थी जो सिनेमा में लड़कों के लिए गाने गाती हैं। उसमें एक खनक थी जिसे बार बार सुनना अच्छा लगता था। अच्छा, एक बात बताइए, उस लड़के ने अपने पास बैठे आदमी का ध्यान जबरदस्ती खींचते हुए पूछा, गार्ड ने उस औरत के साथ फिर क्या किया? बड़े होने पर समझ जाओगे। बड़ा होने पर तो पिताजी अपनी घड़ी भी मुझे दे देंगे, उसने कहा। आपने पिताजी की घड़ी देखी है? नहीं। खूब ही अच्छी है। अच्छा, हाँ, उसमें तो अंधेरे में भी दिखाई देता है। सचमुच, तब तो जरूर बहुत अच्छी होगी। आप घड़ी नहीं बांधते? नहीं। क्यों, आपके पिताजी ने आपको नहीं दी? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। वह अपने दोस्त की बातें सुनने लगा था। बात बात पर उसे हंसी आ रही थी। उसके चेहरे से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह कभी किसी से नाराज भी हो सकता है। देखिए, वो मेरे पिताजी खड़े हैं। उस आदमी को एक बार अपनी तरफ देखते पा लड़के ने कहा, वहीं तो मैं भी रहता हूँ। उसने जिधर इशारा किया वहां एक ही नमूने के कई घर एक कतार में बने थे। सबके सामने छोटे छोटे बगीचे थे जिन्हें छूती सड़क स्टेशन के आगे चली गई थी। सड़क का दूसरा किनारा पार्क की उत्तरी सीमा थी जहां जंग लगे तारों की बाड़ लगी थी। वहीं गिट्टियों के ढेर थोड़ी थोड़ी दूर पर इकट्ठे किए गए थे। सभी चीजों के रंग अलग अलग थे, लेकिन धूल के मटमैलेपन ने उन्हें एक रस कर दिया था। घर तो तुम्हारा सचमुच बहुत अच्छा है। नाम क्या है तुम्हारा? श्याम। श्याम माने तो सांवला होता है। तुम तो काफी गोरे हो। माँ तो कलूटा कहती है। कहने के साथ ही वह शर्मा गया। फिर उस आदमी को हंसता देख खुद भी हंसने लगा। उसके दूध के दो दांत टूट चुके थे। उनकी जगह गड्ढों में नए दांतों की हल्की सफेदी झलकती थी। दांतों से दबा नीचे का होंठ चूसना उसकी आदत जान पड़ती थी। बाहर की तरफ ओट बहुत थोड़ी दूर तक थूक से गीले थे, जिसकी छोटी छोटी फुटकियों को वह सूखने नहीं देता था। यह तुम जेब में क्या लिए हो? गेंद है, श्याम ने जेब से निकालते हुए कहा। आप खेलेंगे मेरे साथ? पहले एक काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। क्या काम? बाजार से चार आने के पान लगवा लाओ। पैसे दीजिए। चवन्नी लेकर श्याम तेजी से दौड़ता पार्क से बाहर निकल गया। दोनों बूढ़े सीमेंट की बेंच बेंच खाली कर गए थे। उनकी जगह थोड़ा सा लंगड़ा कर चलने वाले एक आदमी ने ले ली थी, जिसके साथ एक औरत भी थी। कपड़े पहनने के ढंग और नाक के दोनों तरफ लगी कीलों से वह दक्षिण की जान पड़ती थी। आदमी के बारे में कुछ भी समझना मुश्किल था। वह कुछ भी हो सकता था। उनके चेहरे पर निराशा और खीझ का मिश्रित भाव था। शायद एकांत का मिलने पर किस्मत को कोसते चुप बैठे थे। औरत देखने में बहुत मामूली थी, लेकिन इधर उधर घास पे बैठे लोग इतनी जल्दी इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। टकटकी लगाए उसमें से कुछ असाधारण ढूंढ निकालने की चेष्टा कर रहे थे। बीच बीच में फिर यूं ही आसमान या पांते देखने लगते, फिर निगाह वहीं अटका देते। उस बेंच को छोड़ बाकी खाली थी, पर लोग पहले से अधिक दिख रहे थे। अकेला कोई भी नहीं आ रहा था, अकेला जाने वाला भी कोई नहीं था। वे झुंडों में आते और सबसे अलग कोई जगह चुन बैठ जाते। पहले चुनने के लिए ज्यादा जगहें थी, लेकिन अब धीरे धीरे झुंड एक दूसरे के काफी करीब होते जा रहे थे। उनमें से बहुतों के चेहरे बार बार मुंह पोंछने से लाल हो रहे थे। सभी काफी थके लग रहे थे, जिसका कारण गर्मी भी हो सकती थी। कभी कभी वे हंस भी पड़ते, लेकिन उनकी इन हंसी इन लोगों जैसी नहीं थी जिन्हें धारीदार कमीज वाला किस्से सुना रहा था। झूला झूलने की उनकी उम्र बहुत पहले बीत चुकी थी। बचपन के खेलों का अब उनके निकट बहुत महत्व नहीं रह गया था। बातें करते हुए या तो सड़क देख रहे थे या पटरियां जो बहुत दूर तक सीधी जा शमशान की दिशा में मुड़ गई थी। उधर फिसलने वाले बच्चों में सबसे छोटे को किसी से लड़ाई हो गई थी। वह जमीन पर पांव पसारे बैठ खुले गले से रो रहा था। बराबर कुचली जाती रहने से वहां घास नहीं रह गई थी। वह जमीन पर पांव घिस रहा था, जिससे धूल उड़कर उसके पैरों पर जम रही थी।
बाकी बच्चों ने अपना खेल बंद नहीं किया था। उनकी चपलता अवश्य कम हो गई थी। पहले फिसलने के लिए अब झगड़ा नहीं हो रहा था। उनकी खुशी भरे चीखे भी बंद हो गई थी। उन बच्चों में उसका कोई सगा नहीं था, किसी ने उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने एक बार उस लड़के को देखा जिसके साथ लड़ाई हुई थी। तब धीरे धीरे सिसकता, अपनी छोटी हथेलियों से आंसू और नाक पोंछता पार्क के बाहर चला गया। श्याम जैसे दौड़ता गया था, वैसे ही पान लिए दौड़ता आ रहा था। वह बहुत दुबला था। बदन में उसके एक लोच थी जिससे उसका दौड़ना छलांग लगाने या कूदने जैसा लगता। उसकी कनपटियों की नीली नसें दौड़ने से और भी साफ दिखने लगी। सीढ़ी चढ़ दूसरी तरफ फिसलने वाले बच्चों के घर लौटने का समय हो गया था। वे हंसते खेलते बाहर जाने लगे। पसीने से उनकी कमीजें पीठ से चिपक गई थी। लड़कियों के धूल भरे पांव आड़े तिरछे पड़ रहे थे। उनके गीले चेहरों पर हल्की सी धातुई चमक थी जो धीरे धीरे मिटती जा रही थी। आप कितने ऊपर गेंद फेंक सकते हैं? श्याम ने उस आदमी को पान देते कहा। आप बादलों तक नहीं फेंक सकते? दिन बादलों के नहीं थे। ऊपर हल्का नीला रंग एक छोर से दूसरे छोर तक फैला था। बादलों से उसका आशय संभवतः आसमान से था। मैं उनसे भी ऊपर फेंक सकता हूँ। अच्छा फेंकिए। रुको जरा, पान खा लूं? उसने पूछा। तुम खाओगे? मैं तो पान खाता ही नहीं। उसका उच्चारण बहुत शुद्ध शुद्ध था। स्कूल के अलावा वह घर पर माँ बाप से भी शिक्षा पाता है। बातचीत के ढंग से ऐसा लगता था। धारीदार कमीज वाला पैंट झाड़कर खड़ा हो गया। झुंड के बाकी लोग भी उसके साथ उठ गए। श्याम उन्हें पान खाते देख रहा था। वे उस दक्षिणी औरत और उसके साथी के बारे में बातें कर रहे थे। श्याम उनके लाल होते होंठ देख रहा था। अच्छा लाओ, अपनी गेंद तो दो, उस आदमी ने श्याम की ओर मुड़ते हुए कहा। श्याम ने जेब से निकाल गेंद उसे थमा दी। फेंकू? फेंकिए। श्याम पीछे झुके उस आदमी का कोने पर से मुड़ा हाथ देख रहा था जिसकी उंगलियों में कसी गेंद बहुत छोटी लग रही थी। उसकी आंखें गेंद के साथ ऊपर उठती गई और उसी गति में विस्मय से और चौड़ी हो उतरती फेंकने वाले के हाथ पर ठहर गई जिसने उसे जमीन पर गिरने के पहले ही झेल लिया। यद्यपि गेंद पीपल की फुनगियों तक ही पहुंची थी, फिर भी वह खुशी से तालियां बजाता दो तीन चक्कर लगा गया। उसका आसमान शायद पीपल से एक डेढ़ हाथ ही ऊंचा था। खुशी के मारे बोलना चाहकर भी वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। फेंकने वाले के दोनों हाथ पकड़कर वह जमीन पर कूदने लगा। तुम तो लड़कों से भी गए बीते हो यार, धारीदार कमीज वाले ने उससे गेंद लेते कहा। देखो मैं कितने ऊपर फेंकता हूं। उसने सचमुच गेंद बहुत ऊपर फेंक दी। जमीन पर गिरने से पहले उसे झेल भी लिया। श्याम का मन आश्चर्य से भर गया। उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन अपनी खुशी उसने जाहिर नहीं की। धारीदार कमीज वाले से उसे शायद अकारण ही चिढ़ हो गई थी। अब सभी बारी बारी से गेंद फेंक रहे थे। श्याम खुद भी खेलना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में गेंद आ ही नहीं पाती थी। आप तो उनके साथ खेलने लगे, मेरे साथ कब खेलेंगे? श्याम ने उस आदमी से कहा जिसने उसके साथ खेलने को कहा था। अब तो हम लोग जाएंगे, उसने श्याम को गेंद लौटाते हुए कहा। कल मैं आऊंगा तो तुम्हारे साथ खेल जरूर खेलूंगा। नहीं, अभी खेलिए, आपने कहा था। तुम मानो तो मेरी बात, कल हम दोनों खेलेंगे। नहीं, अभी खेलिए, थोड़ी ही देर खेलेंगे। जिद मत करो, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। कल आप नहीं आएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, जब कह रहा हूं तो जरूर आऊंगा। आएंगे? हाँ। अब चलो, धारीदार कमीज वाले ने उससे कहा। क्या छोकरे को मुंह लगा रहे हो? गुस्से से भरा श्याम थोड़ी देर तक उन्हें जाते देखता रहा, तब धीरे धीरे हवा में गेंद उछालता खेलता झूले की तरफ चला गया। ऊपर आसमान का नीलापन कुछ गहरा हो गया था। पश्चिम की पहाड़ी पर लाल रंग की हल्की सी आंच भर गई थी। दक्षिणी औरत अपने साथी के साथ उस सीमेंट की बेंच पर नहीं थी। वे कहीं भी नहीं दिखे। अवश्य ही उन्होंने कहीं ना कहीं एकांत ढूंढ लिया होगा। सभी बेंचें खाली हो गई थी। लोग घास पर बैठना अधिक पसंद कर रहे थे। श्याम झूले पर खड़ा अकेला ही झूल रहा था। झूलते झूलते
कभी वह लोहे की छड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता तो कभी उन छड़ों के चारों ओर चक्कर लगाने लगता। कभी-कभी वह यूं ही उत्तेजित सा हो चिल्ला पड़ता। झूला झूलने में उसकी रुचि धीरे धीरे खत्म हो गई। सामने कुछ दूर पर लोहे के दो खंभे गड़े थे, उनमें एक ओर चढ़ने के लिए लोहे के डंडों वाली सीढ़ी लगी थी, दूसरी तरफ फिसलने का इंतजाम था। सीढ़ियां चढ़ वह ऊपर गया और फौरन ही फिसल गया। वह लगातार 5-7 मिनट तक उस पर चढ़ता फिसलता रहा। फिसलने के लिए उसे छीना झपटी करने वाला वहां कोई नहीं था। वह कितनी भी देर तक फिसलता रह सकता था। सड़क पर बत्तियां जल गई थी, आसपास के घरों में भी रोशनी हो गई थी। पार्क के कोने में बिजली का खंभा था जिसके बल्ब की फीकी रोशनी काफी दूर तक फैल रही थी। दिन भर इधर उधर भटकने के बाद अब चिड़ियां पेड़ों पर लौट आई थी। उनकी चहचहाट के मारे कुछ भी सुन सकना बहुत मुश्किल था। हवा रुकने से उमस उमस बढ़ गई थी जिससे लोग बहुत परेशान दिख रहे थे। वे सभी बहुत अच्छे लोग रहे होंगे, लेकिन उनके चेहरों पर मूर्खता मिली ऊब के कुछ ऐसे भाव थे जिनसे मन में खीज उठती थी। पार्क में ताला नहीं पड़ता था, न ही रात को पहरे देने वाला वहां कोई था। श्याम चाहता तो रात भर फिसलता रह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब वह सीसॉ पर बैठा अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहा था। अपनी तरफ किसी को देखता पाता तो मुंह चिढ़ा देता। बार बार जमीन पर धक्के देने से शायद उसके पंजे दुखने लगे थे। बस सीसॉ पर ही बैठा था, लेकिन उसकी तरफ का पटिया जमीन से लग गया था और ऊपर उठने की अब वह बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ देर चुपचाप बैठा वह घास का एक तिनका चबाता रहा, तब पास लगे तारों के बीच से निकल सड़क पर जा पहुंचा। वहां से उसने कुछ गिट्टियां उठा ली, निशाने लगाकर उन्हें इधर उधर फेंकता वह बड़े सहज भाव से उस सड़क पर चलने लगा जो एक ही कतार में बने उन घरों तक जाती थी जिनके नमूने एक थे और जिनके सामने छोटे छोटे बगीचे थे। जी जी शुक्रिया रीति जी, अच्छा, ये बहुत ही दूसरा कांड, हाँ ये दूसरा का हाँ लगातार बिल्कुल। पढ़ू या थोड़ा, हाँ थोड़ा रुक कर नहीं आप इसमें कुछ, आपको जैसी, हाँ आपको जैसी सुविधा हो नहीं मित्रों, आप हमने अगर इस पे अभी चर्चा, जी आप पढ़ें स्वागत लगातार पढ़ू मित्रों। फिर आप चर्चा। हाँ हाँ पढ़ सकती हैं। ठीक, तो यह एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी प्रबोध कुमार जी की हमने सुनी, सीसॉ, और इसी नाम से इनका कहानी संग्रह भी है। कैसी छोटी छोटी बारीकियां प्रबोध कुमार जी अपनी कहानियों में लेकर आते हैं, भाषा के साथ मनोविज्ञान, और जिस तरह से यह जो बाल किशोर मन है और उसके बीच वृद्ध लोग हैं और दूसरे प्रौढ़ लोग हैं, दूसरे बच्चे हैं, प्रकृति है, शहर का परिवेश है, इन सब के बीच उन सभी के एकांत हैं, कुछ जोड़ियां हैं जिनकी अपनी कहानियां हैं, इन सबको बड़े ही करीने से कुछ संकेतों में प्रबोध कुमार जी उठाते हुए चलते हैं। एक बेहद ही भाव प्रवण कहानी हमने आज सुनी, सीसॉ, और अब प्रीति जी उनकी एक दूसरी महत्वपूर्ण कहानी आखेट का पाठ करेगी। जी प्रीति जी। धन्यवाद धन्यवाद अर्पण कुमार जी। आखेट। जॉर्ज की दुकान मैं करीब 8 रोज से बंद देख रहा था। दूसरी दुकानों का कूड़ा उसके बंद दरवाजे के आगे जमा होने लगा था। समझ में नहीं आता था वह एकाएक चला कहाँ गया। अपनी दुकान पर बैठा मैं हर आने जाने वाले से उसके बारे में पूछता, कोई कुछ न बता पाता। उसका इस ढंग से बीच बीच में कहीं चल देना नई बात नहीं थी, लेकिन जाने से पहले वह मुझे अवश्य बता देता। दुकान की चाबी भी मेरे ही पास छोड़ जाता। मैं सिर्फ इसलिए चिंतित नहीं था कि उसने मुझसे काफी रुपए उधार लिए थे, बल्कि इसलिए भी कि उसके अलावा
उसके घर वालों की खोज खबर लेने वाला कोई दूसरा न था। बुढ़िया माँ दो जवान लड़कियों की देखरेख कहाँ तक कर सकती थी। मैंने तय किया कि रात दुकान बंद करने के बाद उसके घर जा पूरा हालचाल लूंगा। दोपहर को मैं कुछ ग्राहकों से बात कर रहा था, तभी डोरा आई। वह जॉर्ज की छोटी बहन थी। मिशन स्कूल के हॉस्टल में रह मैट्रिक की तैयारी कर रही थी। मैं उसे बहुत दिन बाद देख रहा था। लापरवाही से रहने की उसकी आदत इन बीच के दिनों में जाने कहाँ छूट गई थी। कोई भी कह सकता था कि कपड़ों का महत्व अब उसके निकट छिपा नहीं रहा। क्यों, किसी की तबीयत खराब है? ग्राहकों के जाने पर मैंने डोरा से पूछा। माँ की प्रेस्क्रिप्शन मुझे दे वह पास रखे स्टूल पर बैठ गई। वह बहुत थकी लग रही थी। मैं थोड़ा पानी पीऊंगी, डोरा ने कहा। मैंने उसे पानी दिया। वह सामने अलमारी के शीशों में न जाने क्या देखने लगी। बीच बीच में एक उचटती नजर भाई की बंद दुकान पर भी डाल देती। जॉर्ज कहीं बाहर गया है? मैंने मैंने उससे पूछा। क्यों? वैसे ही पूछा, बहुत दिनों से उसने दुकान नहीं खोली। आपको जैसे कुछ पता ही नहीं। क्या बात है, मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम। मैं तो सोच कर आई थी, उसने कहा, कि आप शायद जॉर्ज का कुछ पता बता सकेंगे। डोरा बहुत चिंतित दिख रही थी। लगा शायद दवा लेने के बहाने वह केवल भाई के बारे में जानने आई थी। तुम लोगों से भी कुछ नहीं कह पाया मैंने तुम लोगों से भी कुछ नहीं कह गया मैंने कहा। बड़ी अजीब बात है, पता नहीं कहाँ चला गया। चिट्ठी लिखने की तो दूर, किसी से कुछ कह भी नहीं गया, डोरा बोली। माँ ने तभी से बिस्तर पकड़ लिया है। कारण न जानते भी मुझे जॉर्ज का इस तरह चला जाना कुछ विचित्र लगा। मुझे बहुत दुख हुआ, वो ऐसी बात न थी। यह सोच अच्छा ही लगा कि दूसरे के रहस्य में झांकने का अवसर मिल रहा है। मैं डोरा को देख रहा था, जो कुछ साल पहले बाल बिखेरे, नाक पोंछती, बड़ी बहन की अंगली पकड़े टॉफी खाने आती थी। उसे इस तरह चिंतित बैठे देखना नया अनुभव था। घर में किसी से कहासुनी तो नहीं हो गई थी? मैंने डोरा से पूछा। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। उसने जिस ढंग से अटकते अटकते जवाब दिया, उससे साफ जाहिर था वह कुछ छिपा रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। ऐसी हिचकिचाहट, ऐसे लाल चेहरे मैंने खास तौर पर उन औरतों के देखे हैं जो गुप्त रोगों की दवा लेने मेरे यहाँ जब तब आया करती हैं। यह काम करते करते इतना अनुभवी हो गया हूं कि अब यह घमंड करना शायद गलत ना होगा कि मैं चेहरे ही से रोग का पता लगा सकता हूँ। सुनो डोरा, मैंने कहा, बिना मतलब तो कोई घर छोड़ भागता नहीं। कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हुई है जो तुम मुझसे जाने क्यों छिपा रही हो। डोरा मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। कभी अलमारियां देखती तो कभी भाई की दुकान की ओर। उसके माथे पर हल्का पसीना चमक रहा था। जब तक मुझे कुछ बताओगी नहीं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकूंगा? डोरा चुप रही। शायद मेरी मदद की तुम्हें जरूरत नहीं है। ऐसा आप क्यों कहते हैं? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, मैंने कुर्सी कुर्सी उसके नजदीक खींचते कहा। जॉर्ज मेरा अच्छा दोस्त है। तुम्हारी माँ से मैं बचपन में पढ़ चुका हूं। इसके बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं इसे केवल अपना दुर्भाग्य मान सकता हूं। डोरा शायद कुछ कहती, तभी एक ग्राहक आ गया। सिर नीचा कर बड़ी लगन से वह एक नाखून चमकाने लगी। मुझे डोरा के इतने निकट बैठा देख उस आदमी को आश्चर्य अवश्य हुआ होगा। निरंतर बढ़ते हुए कौतूहल में मुझे इसका जरा भी ख्याल न था। उसके जाने पर डोरा से पता चला कि उसकी बड़ी बहन हेलेन पीटर के साथ चली गई है। पीटर को मैं नहीं जानता था, उत्सुकता भी नहीं थी। हेलेन में अवश्य मेरी रुचि बढ़ गई। विचित्र लड़की थी। स्मिथ उसके साथ भागने को तैयार नहीं हुआ तो उसने पीटर को चुन लिया। भागना शायद बहुत जरूरी था। अच्छा, जाने के बाद से उसका कोई खत आया क्या? मैंने डोरा से पूछा। नहीं, तब तो यह भी नहीं मालूम होगा कि वे इस समय कहाँ हैं। डोरा ने जवाब नहीं दिया। वह अभी भी नाखून चमका रही थी। धूप काउंटर से हट गई थी।
उसी के साथ शीशों का चमकना कम हो गया। डोरा को मैं अब अच्छी तरह देख सकता था। उसकी बड़ी आंखों के नीचे हल्का कालापन था, जिससे गालों की हड्डियां अधिक उभरी जान पड़ती। दाहिने गाल पर ठुड्डी के पास काफी बड़ा तिल था। मेरी स्मृति में डोरा की बहुत साफ तस्वीर थी, लेकिन उसमें यह तिल नहीं था। वह सुंदर नहीं थी, लगातार देखने से आकर्षक अवश्य लगती। तो यह बात है, मैं डोरा के मोटे होंठ देखता बोला, लेकिन जॉर्ज एकाएक कैसे चला गया? डोरा चुप रही। जो भी हो, उसने ठीक नहीं किया, मैं बोला। उसके बिना तो अब तुम लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। माँ ने ट्यूशन शुरू कर दी है, तुमने तो बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब बिल्कुल ही ठीक नहीं रहती तो बच्चे घर पर आ जाते हैं। बच्चों से मन भी उनका बहल जाता होगा, बच्चों से उनका मन भी बहल जाता होगा। जी, पढ़ी लिखी होकर भी तुम्हारी माँ ऐसी गलती कैसे कर गई? गलती? नहीं तो क्या, जाहिर है उनसे स्थिति संभालते नहीं बनी। अब देखो चारों तरफ कितनी बदनामी हो रही है। जॉर्ज के जाने के बारे में सभी तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। डोरा ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाए पैरों की तरफ देखती रही। तभी कई आदमी एक साथ आ गए। दवा उनमें से एक ही को खरीदनी थी, बाकी वैसे ही उसके साथ चले आए थे। वे दुकान में इधर उधर चिपके दवाओं के विज्ञापन देखने लगे। मैं डोरा की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सकता था, डर था वे कहीं मेरी कोई चीज उठाकर न चलते बने। उनके जाने के बाद मैं बैठा ही था कि फिर कुछ लोग आ गए। उसके बाद तो काफी देर तक मुझे दम मारने की भी फुर्सत न मिली। कभी दवा निकालता तो कभी कैश मेमो काटने बैठ जाता। इस बीच डोरा चली भी जाती तो मुझे पता न चलता। अब तुम्हें भी दवा दे दूं, फिर बात करेंगे। सबके जाने पर मैंने डोरा से कहा, मैं भी अब चलूंगी, देर हो रही है। घर पर कोई खास काम है? नहीं, काम तो कुछ नहीं है। तब बैठो, कितने दिन बाद तो आई हो, माँ से कह देना मैंने रोक लिया था। डोरा ने थोड़ा सा मुंह बिचका मेज पर रखे हाथ नीचे कर लिए। डोरा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही है, इधर कुछ दिनों से बिल्कुल बंद है। मेरे यहाँ एक ड्रामा होने वाला है, मैं उसमें डॉक्टर बनी हूँ। अच्छा, तब तो मैं जरूर देखने आऊंगा। आपके यहाँ स्टेथोस्कोप है? हाँ, क्यों? ड्रामे के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। किसी भी रोज आकर ले जाना, या मैं ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। नहीं, मैं आ जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ करेंगे? डोरा अब अपेक्षाकृत अधिक उत्साह से बात कर रही थी। वह अपने शरीर को बहुत सहज रूप से हिला डुला रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता का कोई भाव न था। मैट्रिक के बाद क्या करने का इरादा है? मैंने उससे पूछा। माँ चाहती है मैं नर्स बनूं, तुम क्या चाहती हो? जो वह कहेंगी वही करूंगी, आगे पढ़कर भी क्या होगा। अच्छा डोरा, जॉर्ज ने क्या माँ से बहुत झगड़ा किया? आपको कैसे मालूम हुआ? डोरा इधर उधर देखती बोली। जो भी हो, मैंने कहा, हेलन ने ऐसा कुछ बहुत बुरा तो नहीं किया? डोरा ने जवाब न दे केवल कंधे हिला दिए। चाय पियोगी ना? मैंने पूछा। जी नहीं। मेरे साथ पीने में कोई ऐतराज है? नहीं, अब घर जाकर ही पीऊंगी। ऐसी कोई कसम खा रखी है क्या? डोरा हंसने लगी, उसकी झिझक शायद बिल्कुल दूर हो चुकी थी। कैश बॉक्स में ताला लगा, मैं चाय के लिए कहने बाहर निकल आया। काफी ठंडी हवा चल रही थी। मेरे ऊपरी होंठ का एक कोना जाने क्यों रह रहकर फड़क उठता था। हाथ पैरों में थोड़ी कपकपी महसूस हो रही थी। मेरा मुंह सूख रहा था, शायद भांग का असर हो, मैंने सोचा। डोरा मेज पर पेपर वेट नचा रही थी जब मैं वापस लौटा। जॉर्ज क्या आपको भी बताकर नहीं गया? उसने पूछा। नहीं, क्यों? माँ सचमुच बहुत चिंतित है। तुम्हारी माँ की क्या बात है? इस समय उन्हें तुम्हारी चिंता होनी चाहिए, ना कि जॉर्ज की। हेलन के बिना तुम्हारा वक्त कैसे कटता होगा? तभी 2 गिलासों में चाय लिए एक आदमी आ गया। मैंने एक गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। अभी घर जाकर क्या करोगी? मैंने उससे पूछा। करूंगी क्या? वह बोली, कोई किताब ले बैठ जाऊंगी। हेलन के बिना तो छुट्टियां बिताना मुश्किल हो गया है। वह जब थी तब तुम दोनों क्या करती थी?
बातें, छुट्टी के दिन तो तमाम दिन बातें करते रहते थे। वह तो तुम्हें सभी कुछ बताती रही होगी, नहीं तो किसे बताती? तुम्हें उसके जाने के बारे में भी पहले से मालूम रहा होगा। तुमने उसे रोका नहीं? मैंने माँ को बता दिया था। फिर डोरा ने गिलास मुंह से लगा लिया। मुझे लगा वह अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार है। तुम्हारा स्कर्ट बहुत खूबसूरत है। मैंने उससे पूछा कहाँ से सिलवाया? मैंने खुद सिया है। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं कहती, अपने सभी कपड़े मैं खुद सीती हूँ। वाह! एक आदमी बाहर खड़ा मेरी दुकान का साइन बोर्ड पढ़ रहा था। मुझे अपनी तरफ देखता पा भीतर आ गया। आपने आज बुलाया था? नमस्कार के बाद उसने कहा। मैंने बुलाया था? जी, उस नौकरी के सिलसिले में। अच्छा, देखो कल आओ तुम इसी समय। वह कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर शायद इस आशा में खड़ा रहा कि मैं कुछ कहूंगा, फिर चला गया। आपने उससे बात क्यों नहीं कर ली? डोरा ने पूछा। तुम्हें छोड़ उससे बात करता? हाँ, तुम्हारी माँ ने हेलन को रोका नहीं? उन्होंने बहुत कहा उससे। तुमने कुछ नहीं कहा? मैं क्या कहती? तुम्हें उसका इस तरह भाग जाना अच्छा लगा? डोरा फिर पेपर वेट से खेलने लगे। बताओ ना। उफ, आप तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए। तुम्हारे पीछे तो मैं बहुत दिनों से पढ़ना चाहता था। मैं अब जाऊंगी, डोरा ने कुछ घबराते कहा। लजाने का अभिनय वह खासा कर लेती है, मैंने सोचा। मेरे पास बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने पूछा। यह बात नहीं, मुझे देर हो रही है। कुल 4 ही तो बजे हैं, देर हो जाएगी तो मैं घर तक छोड़ दूंगा। डोरा उठती उठती फिर बैठ गई। तभी मेरा लड़का दुकान में आया। वह जूते खरीदना चाहता था। मैंने बिना कुछ पूछे ताछे पैसे निकाल उसे दे दिए। तो वह देर तक आश्चर्य से मुझे देखता रहा। वह जाने लगा तो बुलाकर मैंने उससे कह दिया, जूते लाकर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। हेलेन कितने बरस की होगी? मैंने डोरा से पूछा। 20वां पार कर चुकी है। इसका मतलब तुम 18 से अधिक नहीं हो। 17वें में लगी हूं, डोरा ने कहा। मैं पानी पीऊंगी। मैंने उठकर उसे पानी दिया। लगभग एक ही सांस में उसने पूरा ग्लास खाली कर डाला। तुम्हारा ड्रामा किस दिन है डोरा? मैंने पूछा। इसी इतवार को। ड्रामे में तुम स्कर्ट ही पहनना। क्यों? स्कर्ट में तुम बहुत सुंदर दिखती हो। मैंने कहा, बालों में तेल भी मत लगाना, तुम्हारे सूखे बाल मुझे बहुत अच्छे लगे। पेपर वेट डोरा के हाथ से छूट फर्श पर गिरकर फूट गया। अपराधी का सा भाव उसके चेहरे पर झलक आया। नीचे झुक वह बिखरे टुकड़े उठाने लगी। तुम रहने दो, मैं उठा लेता हूं। मैंने कहा, तुम्हारे हाथों में गड़ जाएंगे। उसके पास जा मैं पंजों के बल फर्श पर बैठ गया। अपना स्टूल कुर्सी की तरफ खिसका लो। मैंने कहा, तो मैं वहां पड़े टुकड़े भी उठा लूं। डोरा ने स्टूल कुर्सी के नजदीक कर लिया। कांच के जितने टुकड़े मिले एक कागज पर जमा कर मैं दुकान के बाहर एक कोने में डाल आया। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो डोरा, मैंने कहा। हेलेन से 1000 गुना अधिक सुंदर। आप मजाक करेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अपनी छोटी आंखों में जितना आकर्षण भर सकता था भर कर मैंने कहा। यह बात मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था। डोरा एकाएक बहुत बेचैन उठी। वह स्टूल पर स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। मेज का सहारा ना लेती तो शायद गिर पड़ती। उसके हाथों के सुनहले रोए खड़े हो गए थे। उसका सारा बदन पसीने से तर बतर हो गया था। वह कांप रही थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने उसका हाथ पकड़ते पूछा। मेरा हाथ छोड़ दीजिए, पहले बताओ तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? हाथ छोड़िए, कोई देख लेगा। तुमने बुरा तो नहीं माना? नहीं, अब छोड़ दीजिए। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वह अभी तक संभल नहीं पाई थी। शायद उठने की भी शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। सिनेमा देखने का तुम्हें शौक है डोरा? मैंने कुछ देर बाद पूछा। बहुत। अब कब देखने जाओगी? क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बोलो कब जाओगी? कह नहीं सकती। फिर भी इस इतवार को तो ड्रामा है।
शायद अगले इतवार को। डोरा के हाव भाव काफी सहज हो गए थे। अंदर हलचल हलचल हो रही हो तो मैं कह नहीं सकता। शायद क्यों, मैंने पूछा। अभी कुछ पक्का नहीं है। मुझे पता कैसे चलेगा, मैं क्या जानू, मुझे ही पता लगाते रहना होगा। मैंने कहा, अच्छा ड्रामे में तो मिलोगी ना। पता नहीं, स्टेथोस्कोप लेने कब आओगी? मुझे समय नहीं मिलेगा, आप पहुंचा दीजिएगा। डोरा अभी तक आंखें नीचे किए बात कर रही थी। उसने अब पहली बार सीधे मेरी ओर देखा। मुझे लगा वह आंखों में आकर्षण भरने में मुझसे कहीं अधिक सफल रही है। दुकान में फिर कुछ ग्राहक आ गए। उनकी दवाएं निकालने में 10 मिनट से अधिक नहीं लगे होंगे, लेकिन मुझे लगा मैं कई रोज से उन दवाओं को ढूंढ रहा हूं। मिलने के बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। डोरा की तरफ बारी बारी से देखते ग्राहक जब चले गए तो मैंने पूछा, मैं क्या बताऊं? जब तक बताओगी नहीं, मैंने फिर उसका हाथ पकड़ते कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ छोड़िए, मैं जाऊंगी, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। आपके साथ मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरी इच्छा? तब तो मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जाऊंगी ही नहीं आपके साथ। मेरे साथ चलोगी तो लोग कुछ कहेंगे क्या? हाँ, क्या कहेंगे? अब चलूं? कहकर भी डोरा ने उठने का कोई यत्न नहीं किया। वह अब सर्वथा नई रुचि से मुझे देख रही थी। धन्यवाद। जी शुक्रिया प्रीति जी। और हम लोग भी उसी बेहद उत्सुकता के साथ आपको सुन रहे थे, आपको पढ़ता हुआ देख रहे थे। मित्रों, यह हमने प्रीति सिंह जी की आवाज में प्रबोध कुमार जी की कहानी आकेट आखेट का पाठ सुना। देखिए, जो कहानी का कथावाचक है वह गुप्त रोगों का चिकित्सक भी है, मगर इसके साथ वह कहीं ना कहीं मनोभावों का चिकित्सक भी जान पड़ता है। एक किशोरी डोरा जो 10वीं में ही है, 10वीं की परीक्षा अभी देगी, कैसे उसके भीतर के जज्बातों को अपने और अपनी ओर अनुकूल करने में अनुकूल करने की काफी कोशिश करता है। तो यह जो आखेट कहानी है, यह अपने शीर्षक में ही कुछ ऐसी बातें हमारी ओर इंगित कर देता है, यह कहानी कर देती है इंगित, जिससे कहानीकार के मंतव्य को हम समझ सकते हैं। आखेट कहानी में, जैसा कि हमने शुरू में ही यह बात कही कि वह एक किशोरी के मनोभावों को टटोलने वाला एक पात्र भी है, एक डॉक्टर है। दूसरी बात, जो उस लड़की डोरा के संवादों के बीच से निकल कर आती है, वह यह कि कैसे उसके स्कूल में एक ड्रामा का आयोजन होना है और वह एक डॉक्टर बनी है, उसे स्टेथोस्कोप चाहिए और वह इस डॉक्टर से कहता है कि आप अपना वाला दीजिएगा। तो यह जो ड्रामा हो रहा है, या इस जो ड्रामे की बात हो रही है, दरअसल इस ड्रामे के बहाने एक और ड्रामा जो हम देख पा रहे हैं कि कभी डोरा के बारे में, कभी उसके भाई जॉर्ज के बारे में, कभी उसकी बहन जो भाग गई है किसी लड़के के साथ उसके बारे में, कभी उसकी माँ के बारे में, इन सब के बारे में बात करता हुआ एक आखेटक ड्रामा भी कर रहा है। यह भी भली भांति यह बात स्पष्ट होती है। एक और बात जो मुझे इस कहानी में बड़ी खास लगी, वह यह कि कैसे
कड़ियां जो है वो आपस में जुड़ती चली जाती हैं। प्रबोध कुमार या किसी भी कहानीकार के यहां अगर पहले उठाई गई कोई बात बाद में भी कहीं पहले से अपना संबंध स्थापित करती हो तो सहसा वह कहानी कुछ खिल जाती है। शुरू में वह लड़की कहती है कि हमें ड्रामा में डॉक्टर बनना है और मैं जो स्टेथोस्कोप है वो लेने आपके यहाँ आऊंगी, लेकिन जैसे जैसे वह देखता है कि यह डॉक्टर उस पर रिझा हुआ है तो वह कहती है कि नहीं, आप ही छोड़ दीजिए मेरे घर पर क्योंकि मैं व्यस्त हूं, मुझे समय नहीं मिलेगा। तो इस तरह जो एक ही सिटिंग में पूरी कहानी चल रही है और उसी बीच पात्रों के भीतर ये बदलाव भी हो रहे हैं। एक किशोरी जिसे सीधे सीधे प्रणय निवेदन किया जा रहा है उसके उसकी प्रतिक्रिया भी यहां पर आ रही है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वह घबरा रही है, वह कहीं अपने भीतर मुग्ध भी हो रही है, उसकी आंखों में भी चमक आ रही है, यह बात भी है। संभव है कि वह जो डॉक्टर है वह उसके साथ यह अभिनय कर रहा हो। जो भी है तो यह जो बदलाव है वह भी हम यहां पाते हैं। एक और बात जो पेपर वेट वाली बात थी कि पेपर वेट से वह खेल रही है, उसको घुमा रही है और कहानी आगे बढ़ रही है। बाद में जब वह पेपर वेट नीचे गिरता है उसके साथ भी कहानी अपनी समाप्ति की ओर बढ़ती है। तो ये जो कुछ घटनाएं हैं, ये जो कुछ वस्तुएं हैं, इसके माध्यम से भी कहानी का संबंध हमें स्पष्ट होता है। उसके जो पूर्ववर्ती हिस्से हैं और जो परवर्ती हिस्से हैं उनके बीच का संबंध यहाँ पर कहानीकार उठा पाता है भली भांति। और भी ऐसी कई बातें हैं जो इस कहानी को लेकर की जा सकती है, इसकी भाषा को लेकर, चुटीले संवादों को लेकर, और वो जो एक दुकान का जो एक चित्रण है, एक डॉक्टर का जो अपना की जो दुकान है उसमें किस तरह से लोग आ रहे हैं और जो उसका अपना मनोभाव है, उसको लोगों से भी निपटना है, उसे इसका भी ध्यान रखना है कि कोई उसका सामान न चुरा ले, या वह इस लड़की के साथ अभी खूब बात करना चाह रहा है क्योंकि उसे अपना मंतव्य उसके सामने खोलना है, तो वह किसी लड़के को जो इंटरव्यू के लिए आया हुआ है उसे अगले दिन के लिए भेज देता है, अपनी आदत से अलग जाकर, अपनी आदत के खिलाफ जाकर वह एक दूसरे लड़के को कुछ पैसे दे देता है क्योंकि वह हड़बड़ी में भी है, वह इस मौके को खोना नहीं चाहता है। इसलिए कहानीकार ने इसका शीर्षक संभवतः आखेट रखा होगा। तो जिन बारीकियों के साथ और संवादों में एक के बाद एक जिस तरह से बात जो है आगे बढ़ती है, वह जो क्रिश्चियन परिवार की लड़की है डोरा और उसकी पूरी कहानी है और उन सब के बीच इस कथावाचक की जो अपनी यात्रा है, क्योंकि वह डोरा की माँ से पढ़ा हुआ भी है, उसका वो शिष्य भी रहा है कभी, उसके भाई का दोस्त भी है जो पड़ोसी दुकानदार है जो अभी कहीं गायब हो चुका है, तो ऐसे में एक लड़की जो अकेली है जो उसके यहाँ आई है तो वह उन तमाम स्थितियों के बीच अपने लिए कुछ अनुकूल अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो यह आखेट कहानी इन कुछ संकेतों के बीच भी अपनी बात स्पष्ट करती चलती है और इस कहानी की काफी चर्चा हुई, पूर्व के वक्ताओं ने भी इस कहानी पर अपनी बात रखी। मैं यहां पर अभी एक और कवि कथाकार उदयन वाजपेयी जी का जो एक कमेंट है इस कहानी को लेकर वह रखना चाहता हूं और इसके बाद हम लोग आज की यह कड़ी समाप्त करेंगे। मैं वह जो कमेंट है उदयन वाजपेयी जी का वह पढ़ता हूं। एक कहानीकार ऐसा भी है, उदयन वाजपेयी जी के आलेख का यह
शीर्षक है जो लम्ही पत्रिका के जनवरी जून 2022 के अंक में प्रकाशित है। यह वही अंक है जो प्रबोध कुमार जी पर केंद्रित है। तो अपने अपने इस आलेख में उन्होंने कई बातें की हैं, कई कहानियों पर चर्चा की है। आज चूंकि आखेट कहानी का पाठ हुआ और पिछली कहानी सीसॉ का, तो हम अभी आखेट वाला कमेंट उदयन जी का यहां पर ले रहे हैं। उदयन वाजपेयी लिखते हैं, मैं पढ़ता हूं, ऐसी कोई कहानी मैंने हिंदी में नहीं पढ़ी। यह एक कस्बे के अधेड़ व्यक्ति में लंपट तत्व के धीरे धीरे खुलने का विवरण है। मुझे इसे पढ़ते समय न जाने क्यों भुवनेश्वर की भेड़िए याद आई। भेड़िए में भुवनेश्वर किसी भी कीमत पर जीते चले जाने की इच्छा की अश्लीलता को अनावृत करते हैं। इसी तरह प्रबोध कुमार आखेट कहानी में एक व्यक्ति के नैसर्गिक काम तत्व के निरंतर विकृत होते जाने को परत दर परत खोलते हैं। यहां दवाई बेचने वाला अधेड़ व्यक्ति अपने निकट एक अपेक्षाकृत वृद्ध बालिका को पाकर देखते ही देखते एक खूंखार शिकारी, हम चाहें तो उसे भेड़िया भी कह सकते हैं, में रूपांतरित हो जाता है। कहानी की शुरुआत में वह केवल उस बालिका का परिचित व्यक्ति भर होता है, पर जैसे जैसे उस बालिका के शिकार कर सकने की संभावना उसे दिखाई देती है। मैं भी वही बात कह रहा था, पर जैसे जैसे उस बालिका के शिकार कर सकने की संभावना दिखाई देती है, वह आखेटक शिकारी में तब्दील हो जाता है। कहानी के शुरू में जो साधारण संवाद था, वह कहानी के अंत आते आते तक आखेट के सोपानों में बदल जाता है। अधेड़ व्यक्ति उस बालिका से साधारण प्रश्न पूछते पूछते अनजाने ही उसका कुशल मंगल जानने के स्थान पर उसे अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न करने लगता है। मानो उसके भीतर सोई हुई कामुक भावना अपने शिकार को सामने पाकर भेड़िए का आकार लेने लगी हो। इस कहानी में उस अधेड़ व्यक्ति पर कोई भी निर्णय देने का प्रयास नहीं है। यह पूरा प्रसंग इस तरह लिखा गया है, मानो यह कहा जा रहा हो कि एक दोपहर दो लोगों के बीच कुछ ऐसा हुआ था। इससे पहले और इसके बाद भी इस तरह की कोई कहानी हिंदी में संभवतः लिखी ही नहीं गई है। हिंदी कहानी के अंतस में जाने अनजाने आदर्शवाद की पतली सी धारा बहती ही रहती है। उस धारा के वशीभूत हिंदी कहानीकार मानवीय निष्कृषता और छिछलेपन का उतनी गहराई से परीक्षण नहीं कर पाता जितना मसलन लातीन अमेरिकी साहित्य में आसानी से मिल जाता है। मनुष्य को फिर वह किसी भी वर्ग का क्यों न हो, उसके तमाम आयामों में देखना ही साहित्य का धर्म है, और यहीं से उसका सौंदर्य भी उद्भासित होता है। आखेट का नायक भी केवल लंपट नहीं है, उससे कहीं अधिक कुछ है। यहीं से इस कहानी में चमक उत्पन्न होती है। और थोड़ी सी प्रतिक्रिया वो आगे और सीसॉ पर भी उदयन वाजपेयी बात करते हैं, मगर दो तीन वाक्य रखकर यह बातचीत समाप्त करूंगा क्योंकि समय भी हो रहा है। आगे वह सीसॉ पर भी अपना कमेंट करते हैं कि सीसॉ में किस तरह प्रबोध कुमार एक बच्चे को केंद्र में रखकर कुछ बूढ़े और युवक चरित्रों का कुछ इस तरह परीक्षण करते हैं, मानो वे उनके मन के रेशे रेशे उधार रेशे रेशे उघाड़ कर देख रहे हो। तो आज की यह कड़ी बेहद खास रही, दो चर्चित कहानियों पर आज हमने प्रीति सिंघी जी का पाठ सुना, सी सौ कहानी और आखेट कहानी। किस तरह कहानीकार उन मनोभावों में जाकर, उन परिस्थितियों में जाकर पूरे चित्रण को जीवंत करता है, इसे हमने पाया। प्रीति सिंघी जी हमारे साथ जुड़ी, इतने मनोयोग से
ऐसा प्रभावी पाठ हमारे लिए संभव किया। एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया और पढ़कर मुझे अच्छा लगा। पाठ करके इन दोनों कहानियों में कुछ नया अनुभव भी हुआ कि इस तरह की कहानियां हिंदी में पढ़कर हमें अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि पाठ श्रोताओं को भी जरूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जी शुक्रिया। कल एक नई कड़ी में हम फिर मिलेंगे। प्रबोध कुमार जी पर यह एकाग्र जारी है। शुभ रात्रि।